एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अगेन एक रबर बैंड की मदद से ब्यूटीफुल थ्री क्यूट एंड ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ये हेयर कलर कैसे किया है इसकी वीडियो जा चुकी है, तो आप जाके चेकअप कर लीजिएगा कौन सा हेयर कलर है, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ। और हाँ, मेरी दूसरे चैनल पर मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड स्किन केयर रूटीन अपलोड करते रहती हूँ, तो उस चैनल पर भी जाइए, प्रीत तिवारी टू सेकेंड चैनल का नेम है। आपको वहाँ पे मेकअप एंड स्किन टाइप अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग टिप्स वगैरह मिलते रहेंगी। इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी से हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लंबा किए हुए। तो ये है रबर बैंड जिसकी मदद से मैं बनाने वाली हूँ हेयर स्टाइल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों में एक पोनी बनाऊंगी। इस तरीके से पोनी हाई लो आपको जैसे बन चाहिए उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइटली रबर बैंड को लगा लिया है, देन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपस में ट्विस्ट कर देंगे एंड कर। ओके, एंड तक ट्विस्ट करने के बाद से आपको एक छोटा वाला जो पतला वाला रबर बैंड आता है उसको आप यहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि जो हेयर स्टाइल है जैसा आप चाहते हो वैसे बने। वहाँ मैं रबर बैंड लगा ले रही हूँ। ओके, अब हम लोग स्किन के बालों को इस तरीके से घुमाएंगे। जहाँ पे हम लोग रबर बैंड लगाए होते हैं वहाँ पे हमारे हेयर थोड़े से मोटे होते हैं, यहाँ पे पहले यूपी से इसको फिर कलर कर लीजिए। ओके, एक यूपी और यहाँ पे लगा दूंगी मैं। ओके, इतने हेयर तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं लेकिन जो इसके बाद के हेयर हैं वो काफ़ी पतले हैं, तो उसको हम लोग खींचेंगे थोड़ा थोड़ा और यही फेस को सारे हेयर को रबर बैंड को हाइड करते हुए सिक्योर कर देंगे। तो आप देख सकते हो पतले हल्के भी बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो भी आप इस तरीके से सिर्फ एक रबर बैंड से अपना बन बना सकते हो और ये काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है और छोटे बालों को भी बन के रेडी हो जाता है। अब आपको अगर अपने बालों में बॉलिंग देना है तो थोड़ा थोड़ा सब जगह से इस लोगे बालों को इस तरीके से और बन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, लो हाई आपकी चॉइस है वो। तो ये वाला फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। लेस वगैरह निकालना है तो आप निकाल सकते हो, बन में थोड़ा सा पफ चाहिए, फ्रंट हेयर स्टाइल चाहिए तो आप फ्रंट हेयर स्टाइल बना सकते हो। बहुत सारी फ्रंट हेयर स्टाइल की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, सेकेंड हेयर स्टाइल में भी आपको बनानी है एक पोनी, उसके फिर पोनी को थोड़ा सा लूज करेंगे इस तरीके से और हेयर को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ओके, और टाइट कर देंगे। उसके बाद से जितने भी हेयर बचे हैं इनमें एक चोटी बनाएंगे, सिंपल चोटी। सिंपल जो भी एंड तक बना लेंगे। जितना ही लंबा बनाना है वो आपकी चॉइस है, उसके बाद से आपको एक रबर बैंड लगा लेना है यहाँ पे एंड पार्ट पे। रबर बैंड लगाने के बाद से चोटी को इस तरीके से खींच के लूज कर लेंगे पूरा। अच्छे से खींच लीजिएगा फिर। ओके, अब इसको सिंपली जो रबर बैंड है कॉर्नर के ऊपर इंसर्ट करेंगे और यू पिन से या फिर बॉबी क्लिप से, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो आप बॉबी क्लिप यूज़ कीजिएगा, दो तीन बॉबी क्लिप इस तरीके से लगा देंगे और फ्रंट से भी एक यू पिन लेके ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है और
ईजी है तो आप बना सकते हो। छोटे बालों में भी अगर मेरे जितने आपके बाल छोटे बाल हैं तो आप एक अगर बढ़ते इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ये हमारे दो हेयर स्टाइल हो गए जो कि सिर्फ एक रबर बैंड से बने हैं। ओके, तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो अभी जाइए नहीं, थर्ड हेयर स्टाइल भी देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले इस वाले हेयर स्टाइल को ओपन कर लेते हैं, उसका फाइनल लुक देख लीजिए। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो फ्रेंड्स, थर्ड हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैंने पूरे बालों को ओपन कर लिया और अच्छे से कॉम कर लिया। यहाँ पे हम लोग थर्ड हेयर स्टाइल में हाई बन बनाएंगे। ओके, जितना हाई चाहिए वो आपकी चॉइस है। उसके बाद अपना रबर बैंड ले लो और इस तरीके से करना है, लेकिन पूरा बालों को खींचना नहीं है। अब इसको ट्विस्ट करेंगे और जो ये हेयर है इनको ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरीके से। ओके, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। सॉरी, अगेन इस तरीके से लेके जाएंगे रबर बैंड को और ये काफ़ी अच्छा सा आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब जहाँ पे आपका रबर बैंड दिख रहा है वहाँ पे इस तरीके से इसको फैलाएंगे और ये आपका बन मैसी बन बन के रेडी हो गया है, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड से। अब आप इसको कहीं कहीं यू पिन्स लगा के सेट कर सकते हो, और घर में रहना है तो रबर बैंड थोड़ा टाइटली कर लीजिएगा तो आपको यू पिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ से भी आपको अनमैनेज लग रहा है बन आपका, वहाँ पे आप यू पिन लगा दीजिएगा। थोड़ा इस तरीके से खींचना है दूसरी दूसरी जगह से ताकि जो आपका बन है वो थोड़ा मैसी लुक में आए और काफ़ी प्यारा लगे। बैठते और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। तो आपको तीनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इंस्टा आई डी PrithviY24 है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड मेरी रील्स वीडियोस देखने के लिए मैं दो तीन यू पिन और लगा ले रही हूँ। मुझे इस तरीके के मैसी बन्स काफ़ी पसंद हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपके स्किन पे जो सूट करता हुआ आप उस टाइप का ही बन बनाइएगा। तो गाइस, कैसे लगे आपको आज के ये तीन हेयर स्टाइल सिर्फ एक नंबर ब्रांड की मदद से? कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा, आपने कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई किया वो भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिए। सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइए, वो भी चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देख लीजिए इस तरीके का थर्ड हेयर स्टाइल है। इसी तरीके की हेयर स्टाइल और लेके आते रहूँगी मैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।